Our next chapter in two-dimensional coordinate geometry is a straight line. We are going to start the straight line, right? So सबसे पहले definition इसकी जो आती है straight line. देखिए जैसा हम समझ ही चुके हैं कि इट इज ऑल्सो द लोकस, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो लोकस. डेफिनेटली कोई भी जो जनरल इक्वेशन है इसकी स्ट्रेट लाइन की इस तरह से देते हैं, दिस इज द ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स जीरो, राइट. सो लोकस के टर्म्स में इसका इसकी इक्वेशन इस तरह से होगी, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स on ax plus by plus c equal to 0 and the locus point is definitely the xy. वो जो general point है वो यहाँ पे xy general point इसमें appear हो रहा है, that is following this condition. This general point is moving into the line, right, and making the straight line. उस line को बना रहा है, तो so locus of a point which moves on this equation, equation means it is a straight line, is called straight line, right. और इसकी इक्वेशन एक और तरह से दी जा सकती है, स्ट्रेट लाइन वेयर यू कैन डिफाइन अबाउट द एबीसी आल्सो, वेयर एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस शुड बी द रियल नंबर, अदरवाइज वो रियल नहीं होगी. लाइन भी रियल चाहिए, तो आपको जो कॉफिशियंट्स हैं एबीसी कॉन्स्टेंट्स हैं, these are the constants and called the coefficients, coefficients of x, y, and this is the constant term. This is the pure constant term. These are the coefficients of a, b. अगर coefficient language use करना है तो, otherwise these are the real constants. ठीक है, वो जो कि a, b, c है. या इसकी definition एक और दी जाती है, right? Second definition हम लिखेंगे, the first degree equation. First degree equation in x and y variable is called straight line. देखिए second equation भी वही point बोल रहा है, लेकिन अलग तरह से दे रहा है कि first degree equation होना चाहिए, that should be the first degree equation. So first degree means x और y आए, तो ax plus by आए प्लस सी या कांस्टेंट आ सकता है. तो अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में आप अगर ये डाउट करें कि मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने में डिग्री टू हो जाएगी इसकी डिग्री टू हो जाएगी, और वो फिर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगी, दैट इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन ऑल्सो, राइट. फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन है, सो दैट इज नोन एज द स्ट्रेट लाइन, राइट. This is again the straight line. It's a general equation. अब इसके बाद में हम आते हैं जो main points होते हैं कि इसमें दो points दिए होते हैं. What is the slope? Slope is important part in the straight line, right? Straight line में हम जो पॉइंट मेन स्लोप ऑफ लाइन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, राइट. देखिए ऐसा होता है कि कोई अगर लाइन गिवन है, लेट्स से देयर आर टू पॉइंट्स आर गिवन, एक्स वन वाई वन एंड टू, सेकंड पॉइंट इज एक्स टू वाई टू, दीज टू पॉइंट्स आर पी क्यू. अब हम ये चाहते हैं डिस्कस करना स्लोप ऑफ अ लाइन मीन्स this is the tangent of the angle that line makes with a positive direction of x axis. तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनाता है उसको स्लोप बोलते हैं. स्लोप को एम से लिखते हैं, एम इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड दिस इज स्लोप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट वर्ड नॉर्मली फिजिक्स में यूज होता है,
हम लोग उसको मैथ्स में अपना जो है स्लोप वर्ड ही बेटर रहता है, लेकिन ग्रेडियंट वर्ड भी हम ध्यान रखें कि ग्रेडियंट इज ऑल्सो द सेम थिंग, बट ग्रेडियंट वर्ड मोर यूज इन द फिजिक्स, राइट। सो दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप इज डिनोटेड बाय द एम टेन थीटा। अब देखिए यहाँ अगर दो पॉइंट्स अगर गिवन होते हैं तो कैसे हम उसको स्लोप बोलते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपली यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, लेट से इट इज मीटिंग एट दिस आर पॉइंट, और ये जो लाइन है इट इज मेकिंग थीटा एंगल, बींग एन ए करस्पॉन्डिंग एंगल दिस विल ऑल्सो बी थीटा, ये भी थीटा ही होगा, राइट। और इस ट्राइंगल में आ जाए, इस ट्राइंगल में आप ये देखें कि ये जो लेंथ है ये कितना है, दिस इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन लेंथ, दिस इज वाई टू माइनस वाई वन लेंथ, एंड वॉट अबाउट दिस लेंथ, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन लेंथ, दिस लेंथ इज एक्स टू माइनस एक्स वन। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर टेन थीटा, टेन थीटा इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यही फॉर्मूला भी बन जाता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑल्सो, इट इज कॉल्ड द टू पॉइंट फॉर्म। दो पॉइंट्स अगर गिवन है एंड यू वांट द स्लोप ऑफ ए लाइन तो आप कोई भी माइनस कर दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पॉइंट आगे पीछे रखें, अगर आप इसको ऐसा भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, नॉर्मली ये याद रखते हैं, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पॉइंट इधर वाला ले लिया या इंटरचेंज कर दिया तो उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी, रीजन बिकॉज दोनों साइड माइनस कट जाता है वापस, तो वही चीज आ जाती है, ठीक है ना। सो दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन द टू पॉइंट्स आर गिवन, राइट। सो दिस इज द वन पॉइंट, एंड सेकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स एंड द कंडीशन ऑल्सो। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ इसका, यू नोज वेल दो पॉइंट्स अगर दिए हुए हो तो किस तरह से उसका स्लोप निकालना रहता है लाइन का, वो आप जानते हैं। सेकेंड अवर कॉन्सेप्ट इज टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, राइट। सो दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, देखिए उसका प्रॉपर फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को हम डेराइव करेंगे कंप्लीटली तो मालूम चलेगा कि किस तरह से उस पर काम करना है। लेट से दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस इज द लाइन वन, एल वन इक्वल टू जीरो फर्स्ट लाइन, लाइन सेकेंड, राइट। लेट से दिस इज द एक्स एक्सिस, इट इज द एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट लाइन इज मेकिंग द थीटा वन एंगल, थीटा वन एंगल विद द एक्स एक्सिस, सेकेंड लाइन इज मेकिंग दिस एंगल थीटा टू, ये होगा यहाँ पे, और इस लाइन का अगर हम स्लोप बोलेंगे एम वन, सो दिस कैन बी सेड एज टेन थीटा वन, एंड द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन लेट से एम टू इज गिवन बाय टेन थीटा टू, राइट। सो इट इज क्लियर, एंड थीटा उसके बीच में, लाइन के बीच में एंगल है, सो लेट एंगल बिटवीन टू लाइन्स बी थीटा, लेट से दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स एल वन एंड एल टू, राइट। अब यहाँ पे हम 10th में एक थ्योरम पढ़ते थे कि एज इन एनी ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये चीज हम जानते थे, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख देंगे, थीटा टू इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा वन, सो ब्रिंग दिस वन दिस साइड, तो इसमें ऐसा थीटा को इधर लेंगे, थीटा टू माइनस थीटा वन हो जाएगा, और दोनों तरफ टेंजेंट लगा देंगे, टेंजेंट लगाएंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू टेन थीटा इक्वल्स टू, दिस इज टेन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, सो दिस इज टेन ऑफ थीटा टू माइनस टेन ऑफ थीटा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा वन, सो इट्स स्लोप इज सेकेंड लाइन स्लोप इज हियर टेन थीटा टू एम टू, इसको आप लिख लोगे एम टू
माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अब देखिए पॉइंट क्या होता है कि जो दो लाइंस हैं उसमें दो एंगल्स होते हैं, वन इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ऑल्सो। अब ये लाइन वन है, लाइन टू है, इसके बीच में आपने ये थीटा एंगल बोला, ये भी तो उनके बीच में एंगल है, दिस इज ऑल्सो द एंगल एंड दिस इज द पाई माइनस थीटा, दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कर देंगे तो दूसरा एंगल जो होगा सेम लाइंस के बीच में वो ऑब्ट्यूस होगा। तो जब आपसे पूछा जाता है कि एंगल दो लाइंस के बीच में क्या है, इफ द एंगल इज 60 डिग्री देन एंगल इज ऑल्सो 120 इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, बिकॉज इफ दिस इज 60 देन दिस इज द फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन एंगल 60 हियर, बट दिस इज द फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन दिस इज ऑल्सो देयर, दिस इज ऑल्सो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स एंड दैट एंगल इज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 इज द ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऐसा होता है अगर दो लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करें तो एक एंगल उसका एक्यूट एंगल होता है और एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अगर आप एक्यूट एंगल निकाल पा रहे हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसको आप 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसमें मॉड लगा देते हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक्यूट एंगल मिल जाए और जब एक्यूट एंगल मिल जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल तो हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करके निकाल देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, यहाँ मॉड कर देते हैं फॉर एक्यूट एंगल, राइट, एक्यूट एंगल के लिए उसको मॉड कर देंगे सो इट विल बी इन अ पॉजिटिव एंगल, राइट। इससे जो एंगल निकलेगा आपका टेन थीटा की वैल्यू आएगी, दिस इज एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू, राइट, मॉडुलस आपने कर दिया है सो थीटा आएगा इसमें टेन इनवर्स हो जाएगा, दिस इज टेन इनवर्स ऑफ एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम वन एम टू, राइट, दिस इज एम टू, राइट। ये फॉर्मूला लगता है और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया इस बात का कि वाई वी टेक द मॉडुलस बिकॉज वी वॉन्ट द एंगल टू बी द एक्यूट, और ये आपको चीज पता ही है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टेन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है और टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जो टेन थीटा की ये जो वैल्यू है नेगेटिव तब आएगी जब वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा होगा, और टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल होगा, राइट। सो दिस इज क्लियर। अच्छा इसके बाद में हम कंडीशंस ले लेते हैं, कंडीशन फॉर द टू लाइंस टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, वो यहीं से आती है, बहुत आसान है। देखिए कंडीशंस फॉर टू लाइंस टू बी फर्स्ट पैरेलल हो, सेकेंड परपेंडिकुलर हो। यहां पे फर्स्ट केस में दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, लाइक दिस, दिस इज द एल वन इक्वल टू जीरो, एल टू इक्वल टू जीरो, और सेकेंड केस में यह है कि लाइंस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, एल वन इक्वल टू जीरो फर्स्ट लाइन है एंड सेकेंड एल टू इक्वल टू जीरो सेकेंड लाइन वो है, ठीक है। लेकिन देखिए उसकी कंडीशन मिलती है यहाँ से, इस जगह से मिलती है एंड दिस वी नो द एंगल बिटवीन देम लाइंस, तो हम ऐसा करेंगे इसका टेन थीटा का वैल्यू यूज करें, बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला, ये डायरेक्टली इस पर मॉड भी हटा देते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट। इफ द लाइंस टू लाइंस आर पैरेलल सो एंगल बिटवीन देम जीरो, थीटा इसका क्या होगा, बिटवीन द लाइंस विल बी एंगल बिटवीन द लाइंस, दिस इज द एंगल बिटवीन लाइंस विल बी जीरो, राइट, दोनों पैरेलल है, थीटा जीरो कब आएगा, टेन थीटा जीरो कब आएगा, जब उसका न्यूमिरेटर वैल्यू जीरो रख दें, न्यूमिरेटर जीरो रख दें, तो यहाँ पे तो बहुत आसान, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा, सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि
क्योंकि इसमें ये बहुत ही इजीएस्ट कंडीशन बात डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर पोर्शन जीरो रखेंगे और ये आएगा एम टू माइनस एम वन इक्वल टू जीरो, और यू कैन राइट द एम वन इक्वल्स टू एम टू। तो दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। सेकेंड कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी, परपेंडिकुलर लाइंस की। ये कंडीशन हो गई आपकी पैरेलल की, और परपेंडिकुलर में ऐसा होगा अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो उनके बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्री है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 90 डिग्री, 10 90 इज इनफाइनाइट। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस वैल्यू को इनफाइनाइट हम कैसे ला सकते हैं, इधर उसकी वैल्यू है। तो बेटर टू पुट द डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल मेक इट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, राइट। सो वी हैव टू राइट द कंडीशन 1 + m1 m2 इक्वल टू जीरो, और यू कैन राइट द m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। ये लिख सकते हैं, इसमें m2 इक्वल टू -1/m1 भी होगा। कोई लाइन अगर दे रखी है तो डायरेक्ट, मतलब इसकी प्रैक्टिस बहुत फास्ट हो जाती है। अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो आपको देखिए ये सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होता है, वो दिखा रहा है इसमें कि -1/m1 कर देते हैं। फर्स्ट लाइन के स्लोप को रेसिप्रोकेट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन का अगर स्लोप m1 अगर दे रखा है, 2 -1/3 4 1 दे रखा हो मान लीजिए, है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि सेकेंड लाइन जो कि परपेंडिकुलर है उसके, तो उसका स्लोप कितना होगा। तो बहुत आसान काम है, देखिए ये 2 है तो उसका स्लोप -1/2 सर, रेसिप्रोकेट करके माइनस से मल्टीप्लाई उसको करना है, अच्छी तरह से जानते हैं आप, है ना। इसमें भी इसमें आ जाएगा, रेसिप्रोकेट किया माइनस से मल्टीप्लाई किया, 3 आएगा, इसका -1/4 आएगा, इसका -1 ही आएगा। तो इस तरह से कंडीशन बहुत आसानी से निकलती है, और ये बातें जो मैं बता रहा हूँ एवरी वन नोज, राइट। तो लेकिन हमें प्रोसीड करना है स्टेप बाय स्टेप, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल द कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस कम्स फ्रॉम हियर, राइट। तो यहाँ ही से वो निकलता है फॉर्मूले से। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं।